हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम बिना उबाले बिना झंझट के चटपटे मसालेदार करेले की रेसिपी लेकर आ गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। तो करेले को लेना है और कच्चा आम और प्याज को हम छील लेंगे। तो करेले को कुछ इस तरह से छील लेंगे, अगर आप ज़्यादा छीलना चाहें तो ज़्यादा छील सकते हैं, हमने हल्का हल्का ही छीला है। तो इस तरह से छीलने के बाद करेले में लगाएंगे कट और इसके बीज निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप बीज इन्हें रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बीज इसमें नहीं रखेंगे, इसलिए हमने ये सारे बीज निकाल दिए हैं और सारे करेले इसी तरह से कट कर लेंगे। और तो इस तरह से हमने प्लेट में रख लिए हैं और हल्का सा इसमें नमक लगा के एक घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे, जिससे इसमें एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा, जिससे हमारे करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। तो इस तरह से हमें सभी करेले को नमक लगा के अच्छे से रख देना है। और तो इधर हमने प्याज भी छील लिया है और कच्ची कैरी, तो इसे कद्दूकस कर लेंगे। प्याज और कैरी को हमने कद्दूकस कर लिया है, तो अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो एक चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच ही धनिया पाउडर लेना है। और फ्रेंड्स, हमें सौंफ पाउडर दो चम्मच लेना है, क्योंकि सौंफ का इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए हमने सौंफ दो चम्मच लिया है। और स्वाद अनुसार ले लिया है नमक। इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, उसके बाद हम इस मसाले को करेले में भरने के लिए तैयार है। तो उधर करेला हमारा एक घंटा हो गया था, तो उसके बाद हमने करेला धो के ले लिया है। तो अब इसमें मसाला फिल कर देंगे। आप चाहें तो इसका छिलका और बीज भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें बीज और छिलका हमने यूज़ नहीं किया है, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से दबाते हुए हमें सारे करेले को मसालों में फिल कर देना है। तो सभी करेले हमने भर के तैयार कर लिए हैं और थोड़ा मसाला बचा है, तो इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और लाल मिर्च पाउडर, और इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच बेसन। तो फ्रेंड्स, हम बेसन के करेले बना रहे हैं, तो इसलिए हम बेसन इसमें ऐड करेंगे। तो इस तरह से बेसन के करेले बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो 3 से 4 चम्मच हमने बेसन ऐड किया है, इसे मिक्स कर देंगे। बहुत ज़्यादा गीला हमें इसका डो नहीं चाहिए, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से थोड़ा सा डो लेंगे और करेले का शेप दे देंगे। और इसी तरह से हमें सारे करेले बना के तैयार कर लेंगे और उसके बाद चलेंगे गैस की तरफ। तो फ्रेंड्स, गैस पे कढ़ाई रखनी है हमें भारे तले की, तो उसमें 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड करना है हमें, कम ऑयल में ही हम करेले बना के तैयार करेंगे। तो सभी करेले को हम ऑयल में ऐड कर देंगे, जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा। उसके बाद हमने ये बेसन के करेले बना के रखे थे वो भी उसके ऊपर रख दिए हैं। फ्रेंड्स, साइड में नहीं रखने हैं, करेले के ऊपर ही रखने हैं, नहीं तो ये साइड से चिपक जाते हैं। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम पानी। तो फ्रेंड्स, आधा ग्लास पानी ऐड करना है, बस इतना ही, कोई उबालने का झंझट नहीं, बस इतने में ही हमारे करेले बनके तैयार हो जाएंगे। तो इसे ढक के पकाएंगे और बीच बीच में चेक करते रहेंगे करेले हमारे उबले हैं या नहीं। तो अभी हमारा थोड़ा पानी है इसमें, तो मीडियम फ्लेम पे हमें इसे पकाना है। तो अब ये बेसन के करेले हैं वो उबल के तैयार हो चुके हैं, बॉयल हो चुके हैं, तो इन्हें निकाल लेंगे। और उसके बाद हम इन करेलों को पलट के सेक लेंगे। तो हमारा ऑयल बचा है, थोड़ा पानी है और उसमें ऑयल ही है। तो इस तरह से हम मीडियम फ्लेम पे इन करेलों को तल लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हम कह रहे थे भारी तले की कढ़ाई चाहिए, हमारी कढ़ाई की तले पतली है, इसलिए थोड़े से जल गए थे नीचे। तो पलटते हुए इसे सेक लेंगे, इसी तरह से तल लेंगे। और करेले हमारे तल के तैयार हैं, तो इन्हें निकाल लेंगे। बहुत ही टेस्टी लगते हैं, एक बार इस तरह से ट्राई ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। और ये ऑयल बचा है, इसी में हम ये करेले भी तल लेंगे अच्छे से। अगर आप ज़्यादा ऑयल में तलना चाहते हैं तो ऑयल और ऐड कर सकते हैं। तो ये भी करेले हमारे तल के तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए सभी करेले बन के तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते रहेंगे ऐसी ही नई नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।